अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एम्प्लाइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये आप इसकी व्यू चेक कर सकते हैं। ये जिस साइड पे कब्ज़ा वगैरह है, अभी जून 2022 में आप इसकी व्यू चेक कर सकते हैं। आज मौसम काफ़ी प्यारा है इस जगह, तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा साइड पे है। जिन लोगों ने इसका विज़िट नहीं किया उनके लिए ये सामने देख सकते हैं, इसके बिल्कुल साथ ये पहाड़ी है, तो इस साइड पर ये सामने AWT। बाकी इसकी जो पहली AGM है, जब से ये कमेटी आई है, तो उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। इसके अलावा ये तो बिल्डोज़र आके इन्होंने इधर खड़े कर दिए हैं कि AGM के बाद इधर काम स्टार्ट होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका काम वगैरह रुका हुआ था। तो इस साइड पर भी ये बिल्डोज़र एक खड़ा है, बाकी मशीनरी वगैरह कह रहे हैं जल्द आ जाएगी, तो AGM के फ़ौरन बाद इसका काम वगैरह स्टार्ट होगा और ट्रांसफ़र भी शुरू हो जाएगी। अभी तक इसकी फाइलों की ट्रांसफ़र है, प्लाटों की ट्रांसफ़र नहीं शुरू हुई, तो प्लाटों की ट्रांसफ़र भी जल्द शुरू हो जाएगी, फिर काम वगैरह इसका डेवलपमेंट का शुरू हो जाएगा। तो इस साइड पर तो ज़्यादा जो डेवलपमेंट का काम था स्टार्टिंग में साइड पर हो चुका है, जिसमें सीवरेज वगैरह बाकी लाइनें वगैरह तो डालेंगे, और इसके अलावा जो आगे इनके पास इस साइड पर ज़मीन पड़ी है उसकी कटिंग वगैरह करके रोड वगैरह इस साइड पर बनाएंगे। काफ़ी टाइम से लोग इसके इंतज़ार में थे कि कब इसका काम स्टार्ट होता है और इसकी ट्रांसफ़र वगैरह शुरू होती है, क्योंकि तकरीबन 30-35 साल से या इससे भी ज़्यादा 40-40 साल से लोगों के पास इसकी फाइलें वगैरह पड़ी हैं, तो काफ़ी टाइम से लोग टेंशन में थे, इसका कब्ज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था। तो अभी कह रहे हैं ये जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद इसका कब्ज़ा वगैरह मिलेगा और लोग इधर घर वगैरह बना सकते हैं, फिर रेट भी ऊपर जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए और अपनी राय के आर के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।